मैंने एक इतना बड़ा टाइम बॉम्ब फिट कर दिया है, अब जब फटेगा ना तभी पता चलेगा। क्या कर रही है अम्बा? What's wrong with her? अम्बा की बेइज्जती उसकी हरकतों की वजह से हो रही, तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? तो बूम! अम्बा क्या कर रही हो, होश में आओ, जो तमाशा बना रही हो सबके सामने, चलो यहां से। I'm sorry everyone, really sorry. मुझे लगता है ये थोड़ी डिप्रेस्ड है, इसलिए डिप्रेशन में ऐसी बातें लोग करते रहते हैं, लेकिन प्लीज गेट बैक टू एंजॉयिंग। ये विधि और मेरा दिन है, ये खास दिन है, तो प्लीज एंजॉय कीजिए, इसे स्पॉइल मत कीजिए प्लीज। संभालो अपने आप को अम्बा। अम्बा क्या क्या हाल बना लिया तुमने अपना? अम्बा तुम वो अम्बा नहीं हो जो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पे ना चाहती हो। Wake up. You need to be stronger, Amba. Stronger. Yogesh, बाहर तक छोड़ने आ रहे थे ना तुम इसे? हुआ नहीं अब तक? अंदर इंतजार कर रहे हैं सब तुम्हारा। अपना काम करो तुम और मुझे अपना करने दो। हाँ? अम्बा अम्बा चल चल, इजी इजी। Now finally the time has come. अब बारी है फैमिली फेस ऑफ की, लेकिन उससे पहले हम एक लास्ट गेम खेलेंगे हमारे कपल के साथ। चार सवाल पूछे जाएंगे और भाई साहब और विधि आप लोगों को बिना सोचे समझे फटाफट उसके आंसर देने हैं। Are you guys ready? पहला सवाल है भाई साहब के लिए। भाई साहब, क्या विधि वो इकलौती लड़की है जिससे आपने प्यार किया है? प्रिया, दिस इज टू पर्सनल यार। अभी 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 एक मिनट, आंसर बनता है। दैट्स द स्पिरिट। प्रिया, मेरी यादाश्त अभी बहुत तेज है और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक लड़की से प्यार किया और वो है विधि। करता हूं और जिंदगी भर यूं ही करता रहूंगा। टची टची भाई साहब। अगला क्वेश्चन है विधि के लिए। तो विधि मुझे ये बताओ कि आर यू श्योर कि देव भाई साहब के पास्ट में कोई और नहीं था? क्या भाई साहब के पास से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? माइक, बीते हुए कल के बारे में सोचेंगे तो आने वाला कल कैसे जिएंगे? सच कहूं तो मुझे इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके बीते हुए कल में क्या हुआ। मेरे लिए ये बात मायने रखती है, मुझे इस बात से फर्क पड़ता है कि आपकी जो आज की ईमानदारी है वो हमारा आने वाला कल बनाएगी। अगला क्वेश्चन है भाई साहब के लिए। भाई साहब, हमें ये बताइए कि विधि का साथ कितना मायने रखता है आपके लिए? लोग दुनिया में जिंदगी जीने के लिए साथ रहते हैं, मुझे तो विधि के साथ ने नई दुनिया दिखा दी। मेरा आखिरी सवाल मिस विध, आई एम सॉरी, मिसेस विधि रायचंद के लिए। विधि, तुम में और भाई साहब में काफी एज डिफरेंस है, उम्र का बहुत फासला है तुम दोनों में,
तो मुझे ये बताओ कि कितनी जिंदगी आगे खुशी से बिता पाओगे तुम लोग। इससे पहले मैं आपसे एक सवाल करूं। मुझसे? ओके, व्हाई नॉट। आपको अपनी लाइफ के कितने ऐसे पल याद है जब आप बेहद खुश थे? ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्ट। जब मैंने गाड़ी चलाना सीखा था, व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइविंग माय कार, माय 18th बर्थडे, अब मेरी और अभिमन्यु की शादी, ऑफ कोर्स जब सिमी इस दुनिया में आई थी, दैट, और आपकी उम्र 27 के आसपास तो पक्का होगी, और आप मुश्किल से सिर्फ 5 ऐसे पल बता पाई जब आप बेहद खुश थी। नहीं, मैं आपकी आपकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सर हमारे साथ ऐसा ही होता है। लेकिन मेरे और देव सर के साथ ऐसा नहीं होगा। देव सर के साथ बिताया हुआ हर एक पल मेरे लिए बेहद खुशी से भरा है। फिर चाहे वो उन्हें पहली बार मिलना हो, उनका ऑफिस आना, मेरा ऑफिस ज्वाइन करना, उनका मेरे साथ गोलगप्पे खाने आना, मेरे लिए मेरे पापा के सामने खड़े हो जाना, या ये जानकर कि मेरे पास बस कुछ ही वक्त है अब जिंदगी जीने के लिए, फिर भी मेरा साथ निभाना, वो हर एक पल याद है मुझे, और ये सारे पल काफी है एक जिंदगी जीने के लिए। प्रिया जी, मम्मी जी, बस अभी कोई सवाल जवाब नहीं होंगे। देव और विधि ने साबित कर दिया है कि जिंदगी में कितने पल होने चाहिए ये कीमती नहीं है, पर उस पल में कितनी जिंदगी होनी चाहिए ये कीमती है। अरे भैया चलो। नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा। अरे देव, कम ऑन भाई, कम ऑन, मैं नहीं करूंगा। आप में से जिसको भी लगता है मुझे डांस नहीं करना आता है, बिल्कुल सही लगता है। लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा विधि के लिए।
व्हाट अ ग्रेट इवनिंग. शाम ढल चुकी है लेकिन किसी की एनर्जी ढलने का नाम ही नहीं ले रही. लेकिन अब वक्त आ गया इस फंक्शन को क्लोज करने का. सो आप सब क्लोजिंग डांस के लिए तैयार हो जाइए. आई रिक्वेस्ट देव भाई एंड विधि भाभी टू ओपन द क्लोजिंग डांस. कम ऑन देव. भाई, आपके फेरों का ड्रेस आया है विधि के यहाँ से. अरे वाह सर, हम भी तो देखे मिस्टर देव रायचंद कैसे दिखने वाले अपने शादी में. अरे कैसी बात कर रहे हो, हमारा देव जो भी पहनेगा उसमें सुपर स्मार्ट लगेगा. ये हुई ना बात माता जी. Let me see. क्या सब रही? What is this fabric and what is this embroidery? मौसी जी देखिए जरा क्या क्वालिटी आई है. और उनसे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं बेटा, दिख तो रहा है भोपाल के किसी बजरिया से उठा के ले आए होंगे. वाओ दी, कितना सुंदर लहंगा आपका, आप ना इसमें बिल्कुल परी लगेंगी. या विधि, जस्ट लुक एट द कलर, ओह माय गॉड सो स्टनिंग. हाय हाय हाय, इस कलयुग में तो जो दिख जाए वही कम है. ये लहंगा पहनेगी मेरी पगली फिल्म. इसका दुपट्टा तो देखो कितना मुलायम, ऐसा लग रहा है जैसे बादल ओढ़ लिया हो. वाह, उन्होंने ना अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से शगुन के नाम पे ये धोती कुर्ता भेज दिया होगा. आई मीन ये तो सोचना चाहिए था कि हम लोग रायचंद हैं, शादी तो बहुत दूर की बात है, हम नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा सामान यूज नहीं करते. प्रिया, बात सामान की नहीं सम्मान की है. मेरे के घर से इतना प्यार से आया है, ये हर बात में तुम पैसा हैसियत स्टैंडर्ड ये सब क्यों लेके आते हो? देखो ये बहुत अच्छा है, फेरों में यही पहनूंगा ना. हमारे फेरों में भी तो मैंने वही पहना था ना जो तुम्हारे मॉम डैड ने दिया था. ऑफ कोर्स बेबी, क्योंकि वो कपड़े पहनने लायक थे. मेरे मॉम डैड ने हम सबके लिए डिजाइनर आउटफिट्स भेजे थे, वो भी एक्सपेंसिव वाले. और इन लोगों ने क्या भेजा है, ये. कम से कम राइटर्स के नाम का तो ख्याल करते, हमें लोग क्या कहेंगे. प्रिया, विधि और मेरे प्यार ने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं. ये जो भी चीजें आई हैं इसमें प्यार है, उनका इमोशन है, और वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. मेरे लिए ये बहुत बहुत मायने रखता है, तो शादी में फेरू मैं यही पहनूंगा. Now